अभी वो भी तो चली जाती है जल्दी से। बहुत बेकार काम है ये आदमी है। बोला नहीं शाम मैं मैं आप बोला नहीं राइट बोला जी। यहाँ पे नाम लिखिए। अंदर राइट प्लीज सर। राइट ऑल ऑफ यू स्ट्रेट। नवीन नवीन करते हैं। हाँ जी सोलो कर रहे हैं। हाँ सोलो सोलो कर रहे थे। आकाश जी आपका स्टार्ट है। और हाँ हाँ सर राइट। आकाश सर यहाँ पे सर सर यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा राइट में आ जाओ। ऑन द राइट प्लीज। यस होल्ड ऑन द राइट। थैंक यू। नेक्स्ट राइट में राइट राइट लुक इन द राइट। Yeah, hold on the right. Thank you. Next. Yeah, yeah, straight. Yeah. Yes, right. Hold on the right. On your right. Yeah. On your left. Okay, sir. Look at straight. Turn on the right, please. सर सर वहाँ सर यहाँ पे राइट सर। थोड़ा सा पीछे सर ऑन द राइट। राइट बोलो चीज़ें। हेलो ओके सर मोना जी सबसे पहले तो ये है फैमिली। ये मेरी फैमिली। ये मेरी फैमिली क्या कहना चाहेंगे किस तरह का किरदार होने वाला है आप दोनों से जानना चाहूँगा और कितना कनेक्ट किया सबसे पहले तो आप दोनों ने इस सीरीज से। एक्चुअली मैं TBF के सारे शोज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो जब मुझे अप्रोच किया मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी तभी। तो उसके बाद मैं डायरेक्टर को मिली राइटर्स को मिली एंड फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। इट वाज़ वेरी वेरी रियल। मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। आई थिंक ऐसे शोज़ बने नहीं हैं काफ़ी टाइम से। पहले 90s में आया करते थे लेकिन अब हम एज ऑडियंस यू नो ऐसे शो मिस करते हैं। तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट मदर का है। जब गुस्सा आया तो चांटा भी मार देगी लेकिन TV में जो माएँ होती हैं वो ज़्यादातर यू नो मंदिर में या तो आरती कर रही हैं या रो रही हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी रियल। मुझे ये किरदार प्ले करने में बहुत मज़ा आया। सर
सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप जो है एक सॉफ्ट स्पोकन का किरदार निभा रहे हैं डैड का। सॉफ्ट स्पोकन तो हाँ हाँ मैं हूँ एक्चुअली, तो वो मैंने बहुत रिलेट किया क्योंकि मैं लाइफ में बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ और मैं उम्र में बड़ा लगता हूँ लेकिन हूँ 90s का बच्चा। तो एक्चुअली नहीं, मैंने बहुत रिलेट किया क्योंकि एक्चुअली ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस शो की सबसे खास बात ये है कि ये एक ऐसी ऐसे दौर में सेट है जहाँ मतलब मोबाइल फ़ोन और वगैरह गैजेट आए नहीं थे, तो ये एक बहुत ही इनोसेंट ज़माने की बात है जब हम लोग सब इतने डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे ऐसी गैजेट के साथ। तो हमारा चाइल्डहुड एक्चुअली वैसे ही गुजरा था जब हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं थी, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा ही रिलेट किया क्योंकि मतलब मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक था। मुझे शायद जो बच्चे बच्चे बने हैं शो में उनको पता नहीं कि वो ज़माना कैसा होता था, बट और माँ तो काफ़ी यंग है पर बाप जो है बाप को तो पता है, तो मैंने काफ़ी रिलेट किया। और एक्चुअली सौरभ और समीर जिन्होंने ये शो बनाया है साथ में, वो भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया है उस एलिमेंट पर कि जो 98 में जो चीज़ें होती थी, तो उन्होंने जो माहौल बनाया वो बहुत अच्छा था, तो मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक और अच्छा लगता है ये, तो काफ़ी रिलेट किया मैंने। तो आप एक्टर भी हैं और डायरेक्शन भी करते हैं, तो क्या राइटर भी है, तो क्या सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं और कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है? मैं यार एक्टिंग बहुत कम करता हूँ, तो वो समीर मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं और यहाँ मोना के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी था, तो मतलब मैंने सोचा कि ये तो जाने नहीं देना चाहिए। ओह, वैसे झूठे ला डैडी। सो एक्चुअली नहीं, मैं कैमरे के पीछे और बैक स्टेज रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ऑन स्टेज और कैमरे के आगे मैं ज़्यादा रहता नहीं हूँ, तो इसीलिए वो सॉफ्ट स्पोकन वाला एक मेरा एक इमेज है। तो बट इस शो में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली जो कभी कभार एक्टिंग करता हूँ इसलिए करता हूँ कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ मुझे मज़ा आना चाहिए, और मुझे ये पता था कि समीर और सौरभ और मोना के साथ एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा और मैं सही था। डिजिटल स्पेस को कितना एंजॉय कर रही है, ऑल्ट बालाजी का शो देखा उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला और ये भी आप कर रहे हैं, तो डिजिटल स्पेस जो है फ्यूचर हो सकता है और कितना एंजॉय करती है आप? फ्यूचर तो अब मुझे लगता है ऐसे कि बन गया है। जब पहले पहले आया था तो मैं खुद इतना ज़्यादा यू नो टेक सैवी नहीं थी, मुझे नहीं समझ में आता था हाउ टू डाउनलोड हाउ टू सी, बहुत टायरिंग लगता था, बट नाउ आई फील यू नो एज एन एक्टर एज एन ऑडियंस इतना कॉन्टेंट अच्छा कॉन्टेंट है जो हम देखना चाहते हैं और जो टी वी में नहीं है, तो इट्स अ बूम यू नो हमारी इंडस्ट्री के लिए। इतने सारे प्रोड्यूसर्स अभी डिजिटल शोज़ बना रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एज एन एक्टर कि मुझे वो करने को मिल रहा है जो पहले अपॉर्चुनिटीज़ आपको अब टीवी में नहीं मिलेंगी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑल्ट का अच्छा गया एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि ये भी अच्छा जाए। ओके, 90s का शो है, बचपन की कोई मेमोरी जो है जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि हमने देखा कि शो में आप एक माँ का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन हाँ। जब आप बचपन में थी तो मॉम को कितनी तकलीफ देती थी, कोई ऐसी कोई फन मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस? मैं बहुत शरारती थी यू नो, मैं बात नहीं सुनती थी पेरेंट्स की, सबसे यंगेस्ट हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर हैं तो वो बहुत पढ़ाकू थी, मैं बिल्कुल यू नो शैतान जैसे बच्चे होते हैं, तो मैंने मॉम की सबसे ज़्यादा पिटाई खाई है। तो ये वाला जब मैं शो शूट करती थी और मैं घर जाती थी, मेरे मम्मी को बोलती थी मम्मा आज मैंने 4 थप्पड़ मारे अपने बेटे को जैसे आपने मुझे उस दिन मारे थे, सुचिज खाए मुझे इतना गंदा क्यों बना रही है। बट मदर्स आर लाइक दैट यू नो, मदर्स वॉन्ट योर बेस्ट, वो प्यार भी मतलब थप्पड़ भी प्यार वाले ही मारते हैं बिकॉज दे केयर फॉर यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा किरदार पहले कभी प्ले नहीं किया। एंड आई रिमेंबर जब हमारे वर्कशॉप होते थे तो हमारे डायरेक्टर समीर सर मुझे बोलते थे मोना और रूट चाहिए और रूट चाहिए, हम लोग ओके, सो आई लव द चैलेंज। ओके, आप दोनों से जानना चाहेंगे क्योंकि ये 90s की स्टोरी है, ऐसी कोई फिल्म हो 90s की जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, और ऐसा कोई गाना अगर आप दोनों मिलकर गुनगुनाना चाहें अगर हमारी ऑडियंस के लिए? कोयल सी तेरी बोली, कम ऑन। अगर so mean. अगर आपको अपनी ऑडियंस से लगाव है तो मुझसे मत गवाइए। अरे कुकू कुकू तो बोल देते। कोई फिल्म है जो आप शेयर करना चाहेंगे, पसंदीदा फिल्म? 90s की ना, ऐसा करेक्ट बोलना चाहिए 90s की। मैं हम आपके कौन का बहुत बड़ा राजा हिंदुस्तानी एंड लम्हे भी 90s में आई थी ना, दो इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम बट या आई लव्ड इट। मैं बरजातिया का बहुत बड़ा फैन हूं। हां वो भी तो आई थी दिल, दिल भी 90s में आई थी ना। हां दिल, या माधुरी दीक्षित, या। और लास्टली कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से, शो को क्यों देखना चाहिए और क्या यूएसपी होने वाली है शो के? आई थिंक यही जो पहले हम लोग कह रहे थे कि बहुत वक्त से किसी भी मीडियम में इस टाइप का शो आया नहीं है जो इतना
ऑथेंटिकली दिखा रहा है, मतलब जो एक्चुअली रियली दिखा रहा है कि मतलब जैसे इन्होंने कहा आजकल अगर आप देखें तो कोई भी शो हो या तो माँ बहुत ही स्वीट होती है या डायन होती है, पर एक्चुअली माँ ऐसी होती नहीं है. और आई थिंक क्योंकि ये एपिसोडिक है और इसमें 7 एपिसोड हैं तो इसमें हमें भी काफ़ी टाइम मिला ये अलग अलग पहलू दर्शाने के लिए, चाहे बाप हो या माँ हो, तो बहुत रियल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. तो आई थिंक ये सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि एक्चुअली मतलब सब तो ह्यूमन बींग्स ही हैं, तो जिस तरह वो लोग रिएक्ट करते थे ना, आई थिंक वो सबसे इन्जॉयबल था हमारे लिए और शायद सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी था, क्योंकि हम लोग किसी भी ऐसा ओवर द टॉप या कोई भी ऐसी चीज़ को पकड़ के काम नहीं कर पा रहे थे. हमें बहुत उस सिचुएशन को या तो अपनी यादों से या जो समीर कह रहा था वो उस तरह से ट्रीट करना था कि बहुत ही हमेशा बहुत रियल लगे, बिकॉज इस शो का एक्चुअली USP वही है कि ये एक कम्प्लीटली एक रियल थ्रोबैक है कि 1998 में अगर आप जयपुर में थे या जयपुर जैसे किसी शहर में थे तो आपका समर कैसे गुजरा, ऐसे ही गुजरा होगा. बिल्कुल. आई थिंक इतने सारे लोगों ने TVF के हर शो को पसंद किया है, TVF का एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, तो मैं उन सबसे कहना चाहूँगी यू नो कि इस शो को एक शॉट दीजिए एंड आई प्रॉमिस यू विल लव इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करते हैं. जी हाँ, मेरा नाम आहन निर्बान है और मेरा कैरेक्टर नेम इज़ देवांश गुप्ता, नोन एज डब्बू उर्फ. तो हाँ, मेरा छोटा भाई. तो मेरा असली नाम विशेष बंसल है और मेरा कैरेक्टर नेम हर्षल गुप्ता, हर्षु. मेरा नाम प्रसाद रेड्डी है और इसमें मेरा नाम शैंकी है. नाम तो कैरेक्टर नेम बहुत बड़ा लेकिन याद थी शंकेश का शंक नहीं मान. अच्छा, आप दोनों बहुत मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, तो रियल लाइफ में ऑन सेट किसने सबसे ज्यादा मस्ती की और दोनों क्या ने, कुछ किससे दोनों ने मिलके दोनों ने बहुत मस्ती की. नागराज की कॉमिक्स पहली बार जिंदगी में पढ़ी, आई गेस देखी भी पहली बार ही थी सेट पे, तो पढ़ी, अच्छा लगा. फिर बहुत सारी बातें शेयर करते थे हम लोग एक दूसरे से, तो मज़ा तो आता था. अरे, मेरे को बहुत चिढ़ाता था. ये जितने सीधे साधे बन रहे हैं, ये जितने उन्होंने मस्ती के बारे बताया है, ये उसका 1% भी नहीं है. मुझे झेलना पड़ता था इन दोनों को. मुझे अब जो अभी भी पता है, हर्षु द विशेष हर्षु इज अ वरुण धवन फैन. जब हम शूट कर रहे थे तभी बद्रीनाथ की दुल्हनी आई थी. ये बंदा मेरे रूम में आके अपनी टीम के अपनी मंडली के साथ में ये मेरे रूम में आता था और मुझे डिस्टर्ब करने के लिए वरुण धवन के वीडियोस प्ले करके नाचता था. और इसने जितनी मस्ती सेट पे की है उतनी किसी ने नहीं की है. अच्छा, कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है वरुण धवन का और कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है, अगर वरुण धवन को आप अपने स्टाइल में कुछ कहना चाहें. तेरा ध्यान किधर है या तेरा हीरो इधर है. और मेरी फेवरेट फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया है और फेवरेट डायलॉग भी है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P×R×T डिवाइडेड बाय 100. ओके, किरदार के बारे में कुछ बताइए, कितना प्रिपरेशन करना पड़ा, डायरेक्टर ने क्या ब्रीफ दिया था आपको किरदार के लिए. तो जब हम लोग पहली बार वर्कशॉप के लिए आए थे तो मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरी फर्स्ट वेब सीरीज थी है. फिर सर ने बोला कि अभी तुम भूल जाओ कि तुम इस एज में हो, तुमको ऐसे प्रिटेंड करना है कि जैसे तुम 90s के किड हो, तो तुम्हारे पास तुमको ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, TV तुम ज़्यादा देखते हो नहीं, तुम बहुत पढ़ाई करते हो, ऐसा मतलब थोड़ा ब्रीफ दिया. फिर बस, और एक बारी मुझे याद है मेरे को 2 बारी मोना दीदी से थप्पड़ पड़ा था क्योंकि वो सीन में आपने जैसे कि अभी ट्रेलर में देखा तो मुझे थप्पड़ मारा गया था. तो ये बात पता नहीं है कि जब तीसरा टेक हुआ था उसमें क्या का रोल नहीं हो रहा था एक्चुअली. वे तो पहली बार उन्होंने बोला कि मैं पहले नकली में कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि असली में खाओ एक थप्पड़ अच्छे से आ जाएगा वरना शूट नहीं होगा. तो मैंने एक खाया, उन्होंने बोला कि रीटेक, फिर एक खाया, उन्होंने बोला रीटेक, फिर एक खाया, उन्होंने बोला बेटा कैमरा तो रोल होने दे, फिर एक खाया, फिर वो टेक ओके हुआ. और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार ही हुआ और बहुत जोर से मारते हैं मोना दीदी. कैसा एक्सपीरियंस रहा मोना के साथ और क्या सबसे ज़्यादा सीखने मिला आप लोगों को? तो काफ़ी चीज़ें, तो पहली बात तो यही कि 98 का शो है, समर ऑफ 98. जो ज़्यादा चीज़ें सीखने मिली है इज ऑफ दैट एरा, जैसे कि आई एम 90s किड, मैं एक 90s का बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी आई वॉज लाइक लेट 90s, तो मुझे काफ़ी रेफरेंसेस थे जो स्क्रिप्ट में जो भी पता नहीं थे. लाइक मिड 90s में एक सॉन्ग आया था पोशंपा, पोशंपा का एक पूरा खेल होता था,
तो एक रेफरेंस है, तो लाइक सर ये समझा नहीं मुझे, आई डोंट नो हाउ टू ट्रीट दिस. सो आई नो हम में से किसी को भी अगर वैसे कोई प्रॉब्लम होती थी तो पूरा सेट लाइक मुनादी आकर सर समीर सर दे शुड सराउंड अस और हम खेलते थे सेट पे, हमने कोशंपा सेट पे खेला है, हमने काफ़ी ऐसी पुरानी चीज़ें जिस लाइक शक्तिमान के मैंने इतने एपिसोड्स देख लिए शूट करने के 40 दिनों में, मतलब जो शायद उन बच्चों ने नहीं देखे होंगे जितने ज़्यादा मैंने देख लिए. तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली अबाउट दैट एज. और फिर एक रीसेंट कैंपिंग चालू था फॉर प्रमोशन की, वो भी क्या दिन थे. सो वो लाइक एक एक्चुअल नॉस्टैल्जिक फील है, लाइक काफ़ी कमेंट्स पढ़े मैंने कि कुछ बातें मुझे अभी भी याद है कि वो भी क्या दिन थे जब हम क्रिकेट गलियों में खेला करते थे और फ़ोन पर नहीं, वो भी क्या दिन थे जब हम बातें ज़्यादा किया करते थे और ट्वीट कम. सो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू जब आपने उस दौरान में पूरा शूट किया है और अभी इतने समय बाद में जब वो चीज़ें वापस से देखते हैं तो एक खुशी होती है कि हाँ अभी भी लोग हैं जो उन दिनों को मिस कर रहे हैं. सो आई वुड से लाइक उन दिनों के बारे में, 90s के बारे में बहुत कुछ सीखा है कि तब क्या लाइफ हुआ करती थी. दैट्स वन थिंग. लास्टली कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप ये शो देखेंगे ना आई बेट आप यही कहेंगे कि अरे ये तो मेरी फैमिली है, मेरे मॉम ऐसे हुआ करती थी, मेरे डैड ऐसे हुआ करते थे, आप ये डेफिनेटली एक बार तो बोलेंगे ही. तो अच्छा शो है, देखना चाहिए. कि जो जो ऑडियंस बनाया है TVF ने, उनका जो फैन बेस है, दे लव द शो. मोर देन दैट उनके जो पेरेंट्स है 80s बॉर्न 80s अर्ली 1970s और वो सब जो अपने चाइल्डहुड के दिनों में थे ड्यूरिंग 90s, सो ये शो एक एपिसोड ख़त्म हो जाएगा पर आपके घर में ये एपिसोड ख़त्म नहीं होगा. घर का एपिसोड ख़त्म होने के बाद शुरू होगा जब आपके मॉम डैड आपको बैठा के कहेंगे कैसा सुन पता है मैं अपने बचपन में ये क्या करता था, अरे ये उन्होंने ये दिखाया. सो द फन विल स्टार्ट आफ्टर यू वॉच दैट एपिसोड एंड यू विल नो मोर थिंग्स अबाउट इट फ्रॉम योर डैड फ्रॉम योर मॉम. So that will be a thing which will be एक happy zone create होगा after seeing the show, that is guaranteed. And yeah, this is all about it. Yeah, thank you so much. Thank you.